नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ, और हमारे साथ महाराज जी हैं। अभी कुछ समय पहले इनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था, कुछ मारपीट की घटना सामने आई थी, और आज महाराज जी फिर कुछ कहना चाहते हैं। क्या है पूरा मामला वो इन्हीं से जानेंगे। महाराज जी क्या नाम है आप? मेरा बालक दास उर्फ बालादीन अहरवाल चमार जी। महाराज जी क्या हुआ, क्या मामला था, क्यों आज आपने बुलाया? मैं जो दुली चंद जाट हैं उनके यहाँ 5 साल पहले से आना जाना था मेरा। उनने कहा महाराज जी मंदिर पे आना है। मैंने कही भाई मंदिर पे तो आऊँगा, मैं पंडित नहीं हूँ, मैं चमार हूँ। तो बोले संत की कोई जात नहीं, आप आ जाओ। इसलिए मैं आया, और जिन लोगों ने मेरे साथ बैदात की उन्हीं लोगों ने बुलाया था। तो आके 8 महीना रहा इसके बीच। कौन से मंदिर पे, कहाँ? खेड़ी, खेड़ी कला में दादी मंदिर, दादी आश्रम। ठीक है। तो एक दिन यादराम प्रकाश और लखन और महेश खटाना 4 लोग आए, बोले महाराज तू जात का चमार है और तू यहाँ से चला जा, ना तो तेरे को इतना मारूंगा कि कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। तो मैंने अपना टीम टाम बांधा जाने। कुछ लोग गांव के आए, बोले महाराज संत की कोई जात नहीं, तू रहा। इसके बावजूद 10 तारीख को रात में लखन और महेश खड़ाना आया, प्रकाश यादराम ने भेजा इनको कि जाओ महाराज को मारो। तो मैं रात में सो रहा था 10:30 बजे, और लखन ने कहा महाराज, मैंने कि क्या है भैया? बोले कि मुझे टायर दे दो, और बिजा मेरे खेत में आ गए। तो मैंने टायर दी, जैसे उनने मेरे मारा, मारने के बाद उनने 60-70 लठ मारे, मैं मुँह में उंगली दें भैया बूढ़ा आदमी बचा लो। इसके बाद मैंने आवाज लगाई, अड़ोस पड़ोस से आदमी आए, उनने बचाया। सुबह भय मीडिया वाले आए, गांव मोहल्ला के लोगों ने सब ने बयान दिए कि हमने बचाया। इसके बावजूद जाके हमने FI कटाई और थाने में रिपोर्ट दी, एक्सरे हुआ, हाथ टूट गया, कान में सब जगह चोट थी। फिर 11 तारीख की रात में 4 लोग आए, और उनने जान से मारने की धमकी दी कि तूने FI कटे राजीनामा कर ले, ना तो साले चमार तेरे को जान से मार देंगे, यहाँ से तू राजीनामा कर और चला जा, ना तो जान से मारेंगे। तो फिर मैंने 12 तारीख को राजीनामा किया, अपनी जान बचाने खातर गांव चला गया। इसके बाद मेरे वकील साहब हैं, उनको मैं मिला, मेरे भक्त हैं, उनने बताया, उनने 6 जगह एप्लीकेशन भेजी, 6 जगह में गृह मंत्री की आई, 16 सेक्टर महिला थाने में, वहाँ मेरे बयान हो गए, गवाही के बयान हो गए। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, वो घूम रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, मैं 700 किलोमीटर दूर से आता हूँ, कोई घटना मेरे ऊपर घट जाएगी तो लखन महेश खटाना प्रकाश और यादराम, ये 4 लोग मेरी जान के जिम्मेदार होंगे। तो महाराज जी ये जो इतना सब कुछ हुआ, जो मारपीट हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो इसमें जब राजीनामा हो गया तो उसके बाद फिर क्या दोबारा से फिर क्यों राजीनामा, मतलब जबरन कराया गया, जबरदस्ती? जान पे खतरा था इसलिए मैंने किया। उनने रात में जान की धमकी दी कि नहर में काट के फेंके आएंगे, मार देंगे साले चमार, और जो भी बैदात भाई चमार जाति सूतक के कार्ड भाई, इसलिए हाँ इसलिए मेरा अनुरोध है शासन से कि मुझे उचित न्याय दिया जाए। मेरे को तो कोई नहीं, आगे वाले जो सनातन धर्म के मंदिर ऐसे महाराज पिटते रहेंगे तो कोई मंदिर पर नहीं रहेगा और सनातन धर्म बंद हो जाएगा, कोई पूजा पाठ नहीं होगा। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है शासन से कि इन लोगों पर कड़े से कड़े कार्रवाई की जाए, और मैं 700 किलोमीटर दूर से आता हूँ, मैं नहीं आऊँगा, मैं कहीं कुछ मर जाऊँगा तो जिम्मेदार ये लोग होंगे। ये लोग होंगे क्योंकि आप चाहते हैं कि इन मुझे न्याय मिले, और इन लोगों ने जो ऐसा दुर्व्यवहार मेरे साथ किया है तो उसकी सज़ा मिले, और यदि मेरे छानबीन करे शासन, यदि हमारी कमी पड़ जाए तो हमको पनिशमेंट दिया जाए, और इनकी होते इनको हम ये नहीं कहते। यदि मेरे पास गांव में जाके छानबीन करे कि महाराज की गलती हो तो मुझको भी दंड मिलना चाहिए। तो जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।